जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। देवड़ी मंदिर का जो विवाद अभी चल रहा है, मैं एक आदिवासी होने के नाते जो मेरा नज़रिया है वह एक सवाल है कि देवड़ी मंदिर आदिवासियों को हिंदू बनाने का प्रयोगशाला तो नहीं है। इस समझ के पीछे का पहला कारण तो यह है कि आदिवासी प्रकृति की उपासना करते हैं और उनके जो भी आस्था के केंद्र होते हैं वे सभी प्राकृतिक हैं। सिर्फ अपने पूर्वजों को वे लोग अपने आदिंग या आदिंग कोचा में पूजा उपासना करते हैं, जहां पारंपरिक रूप से खाना आदि घर के अंदर बनाया जाता है, उस जगह को आदिंग या आदिंग कोचा बोलते हैं। सिद्धांततः यदि देवड़ी मंदिर है तब तो यह आदिवासियों का कैसे होगा? यदि देवड़ी दिरी है तो मंदिर शब्द कैसे जुड़ा? चूँकि आदिवासियों का तो मंदिर नहीं होता। झारखंड में आदिवासियों का जो पवित्र स्थल है उन्हें हम लोग सरना स्थल, जयरा स्थल, देशावली आदि नामों से जानते हैं। मेरी समझ यह कहती है कि देवड़ी मंदिर के बहाने आदिवासियों को भी मंदिर में पूजा करने वाला बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरएसएस का जो दावा है कि आदिवासी हिंदू है उसे साबित किया जा सके। अभी जो विवाद है वह मंदिर के मालिकाना हक का विवाद के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस विवाद से आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठनों को दोनों तरफ से फायदा है। वैचारिक रूप से यदि आदिवासियों के पक्ष में यह मंदिर जाएगा तो आरएसएस वाले कहेंगे कि देखो आदिवासी भी मंदिर में पूजा करते हैं। दूसरा, सरना सनातन भाई भाई का जो उनका नारा है उसे भी यहाँ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हिंदू और आदिवासी एक ही जगह एक ही मंदिर में पूजा उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ तक घटना को अंजाम देने के लिए हिंदुओं ने दशकों इंतजार किया, अपने रणनीति पर काम किया और जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। आदिवासी अपने आदिवासियों से उतना ही दूर चलती चली गई जितना हिंदू लोग सरना सनातन भाई भाई के विचारधारा को स्थापित करने में सफल होती गई। हम उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी वैचारिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भूमिज मुंडा समूह आदिवासियों की धार्मिक पहचान सरना में वापस आने की लड़ाई लड़ रही है। कमोबेश आप देखेंगे कि भूमिज मुंडा लोग अधिकतर हिंदूवादी विचारधारा और आस्थाओं में ज़्यादा चले गए थे। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार तो 49% के आसपास ही सरना बचे हैं, यानी कि बाकी कुछ इधर उधर चले गए हैं। जिस तरह पत्थरगढ़ी आंदोलन करके ईसाई बने आदिवासी अपने आदिवासियत को दोबारा स्थापित करने की एक लड़ाई के रूप में कोशिश किया था, उसी तरह देवड़ी मंदिर के बहाने भूमिज मुंडा लोग अपने को दोबारा सरना आदिवासी समूह में वापस आने की जद्दोजहद में लगी हुई है। पहले तो अपनी विचारधारा स्पष्ट होना जरूरी है। जो भी तथ्य अभी तक पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं उसमें कहीं से भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि भूमिज मुंडा लोग खांटी सरना आदिवासी हैं। देखिए, हम आदिवासियों का जो भी पवित्र स्थल है, चाहे सरना हो, जयरा हो या देशावली हो या अपना पूर्वजों का वास स्थल आदिंग हो या आदिंग कोचा हो, इन सब जगहों पर गैर आदिवासियों का प्रवेश वर्जित है। तब देवड़ी में कैसे गैर आदिवासी लोग साथ में पूजा पाठ कर रहे हैं? हम व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी आदिवासी समूह को आरोप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। हम अभी यह आपको बताना चाह रहे हैं कि हिंदूकरण की एक प्रक्रिया किस तरह चलती है और उसके शिकार कौन कौन होते हैं, यह मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और हिंदूकरण की उस प्रक्रिया से भूमिज मुंडा लोग अपने को कितना बचा पाए। सबसे पहले मैं जुएल नोआ हरारे की बुक सेपियंस के कुछ संदर्भों को आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक वीडियो साल भर पहले अपलोड किया है, इसे आप बेहतर समझ के लिए डिटेल में और कई बार देख सकते हैं ताकि ठीक से बातों को समझ सकें। चूँकि हो समाज को छोड़कर दूसरे समाज के बहुत सारे आस्था के विधाओं को मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपने समाज को ही आधार बनाकर जुएल नोआ हरारे की बुक सेपियंस को इंटरप्रेट किया। यह वीडियो आपको होमो सेपियंस के सिविलाइजेशन से लेकर आस्था तक लेकर आएगी। इसमें मैं एक और चीज़ अभी जोड़ना चाह रहा हूँ ताकि देवड़ी मंदिर में चल रहे विवाद को आदिवासी विचारधारा से हम समझ सकें। धर्म की शुरुआत के लिए जिस विचारधारा की बात जुएल नोआ हरारे ने कही वह यह बात स्पष्ट करती है कि कहानियों के मार्फत धर्म की शुरुआत हुई थी। अब ये कहानियाँ क्या थी? देखिए, एक अच्छा उदाहरण हमारे गाँव देहातों में अक्सर देखने सुनने को मिलता है, वह यह है कि जंगल इलाके में जो गाँव बसते हैं वहाँ घर अलग अलग टोलियों में होते हैं। वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जब भी जाएंगे तो रास्ते में टुंगरी भी पड़ेगा, रास्ते में जंगल भी पड़ेगा, रास्ते में नदी भी पड़ेगी। दिनचर्या में उन्हें हर दिन इन सब चीज़ों से अक्सर गुजरना पड़ेगा।
लोग हर दिन उस जगह से जाते हैं, लेकिन किसी दिन कोई एक व्यक्ति कोई पेड़ के पास जब पहुंचता है तो किसी अज्ञात कारण से वो सहम जाता है, या यूँ कहें कि पेड़ की पत्तियां अचानक से ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगी हों, या पेड़ में कोई उनके नज़र में अनचाहा गतिविधि महसूस की हो। अब वह व्यक्ति अपने गाँव जाकर लोगों को यह घटना बताता है। लोग प्रतिदिन उस रास्ते से गुजरते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद अब उस रास्ते में जाने वाला हर व्यक्ति उस पेड़ के नीचे डर का एहसास उसको होने लगता है। धीरे धीरे उस डर से निजात पाने के लिए लोग पूजा अनुष्ठान आदि की शुरुआत करते हैं। यह तो एक डर हुआ। उसी तरह कहीं टुंगरी में, कहीं नदी में, तो कहीं जंगल में अलग अलग तरह के डर के कारण वे लोग अलग अलग तरीके से उन डरों से निजात पाने के लिए पूजा अनुष्ठान में लग जाते हैं। डर से निजात पाने की प्रक्रिया ही वास्तव में धर्म की उत्पत्ति का सूचक है। इन सब प्रक्रियाओं के कारण एक तरह से कई जगहों पर समाज संगठित भी होने लगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सभ्यता के क्रमिक विकास में एक समय ऐसा भी था जब कोई किसी की बात नहीं सुनता था, समाज बिखरने लगा। सबको पता है कि होमो सेपियंस दो कारणों से साथ में रहना शुरू किए थे, पहली तो सुरक्षा और दूसरा भोजन। भोजन और सुरक्षा के लिए ही मानव को एक साथ रहने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन किसी कारण से जब सभ्यता के क्रमिक विकास के क्रम में लोग बिखरते चले गए तब अलग अलग कहानियों के मार्फत लोग एकजुट भी हुए। कहानियों के मार्फत एकजुट होने की प्रक्रिया अलग अलग धर्म के विश्वास के प्रति आस्था दिखाता है। आज के समय में यदि हम देखें तो धर्म के स्वरूपों में ईसाइत है, मुसलमान, हिंदू और न जाने सैकड़ों आस्था के अलग अलग नाम हैं। इसकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों के संग्रह के मार्फत ग्रंथों को समायोजित करके अपने अपने समाज को लोग एकजुट करके रखे हुए हैं। तो ये सब जो कहानियां हैं अधिकतर जगहों पर मनगढ़ंत होती है, जिसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव नहीं होता है, फिर भी अपने डर से निजात पाने के लिए लोग जुड़े रहते हैं। कहानियाँ व्यक्तिगत स्तर से शुरू होती है और कालांतर में वो अपने अनुयायी बना लेती है और धर्म के स्वरूप में बृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर फैल जाती है। अब हम वापस देवड़ी मंदिर वाले मामले में चलते हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास केरा के भूमिज मुंडा राजा हुआ करते थे। मैं वैचारिक रूप से इस वीडियो को समझाने के लिए कुछ नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सही है उस पर नहीं, लेकिन उसके पीछे की भावना के आधार पर मैं बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि हम यह समझ सकें कि देवड़ी मंदिर आदिवासियों को हिंदू बनाने की प्रयोगशाला तो नहीं है। आदिवासियों में राजा की प्रथा प्राकृतिक प्रथा तो नहीं, एक बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए। आदिवासी समुदाय में रहता है और सारे निर्णय समुदाय में ही लिए जाते हैं, जिसे आज हम ग्राम सभा या पारंपरिक ग्राम सभा आदि भी कहते हैं। उसमें मुंडा, मानकी, देवरी, पहान, नायके हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक अगुआ होते हैं, लेकिन दूसरे समुदायों को देख देख कर हमने भी उन लोगों की बहुत सारी संस्कृतियों को अपना लिया। उसी में से कई जगह आदिवासियों के भी राजा हुए। जब भी कोई ऐसा शीर्ष पद होता है तो वहाँ लालच भी होता ही है। तो पहली बात तो यह है कि आदिवासियों में एक राजा हुए। कहते हैं अपना राजतंत्र बढ़ाने के लिए राजा लोग अक्सर अपने अगल बगल इलाकों को आक्रमण करते रहते हैं। वही केरा के राजा ने भी किया। एक जगह पर हार गए तो सपना में उन्हें देवड़ी देवी ने मंदिर बनाने की सलाह दी और उन्होंने बना दिया। आदिवासी गांव में पहले से ही अपना देशावली, जयरा या सरना स्थल मौजूद होते हैं। कुछ विशेष पूजा स्थल भी अलग से होते हैं। उसके बावजूद राजा के एक सपने ने पूरा भूमिज मुंडा आदिवासी समाज को मंदिर बनाने के लिए और मंदिर पर आस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। राजा यदि आदिवासी थे तो उन्हें या तो सरना स्थल में पूजा करना था या अन्य विशेष पूजा स्थल जैसे पौनी आदि हम लोग बोलते हैं, उन सब जगहों में भी पूजा कर सकते थे। लेकिन जिस तरह आज के समय में अलग अलग देश है, अलग अलग सरकारें हैं, वैसा ही राजतंत्र में भी राजा लोग भले वो किसी भी जाति और धर्म के हैं, ऊपर में दूसरे समुदाय आदि से भी आपस में संवाद तो करते ही हैं। भारत देश में आर्यों के आगमन के बाद आर्यों ने आदिवासियों के आस्थाओं को, आदिवासियों के जगहों को हमेशा से लूटने का काम किया है और लूटा भी है। मैं मणिपुर का वीडियो जब बना रहा था तब उसमें भी हमने देखा कि मणिपुर के एक राजा थे जो एक समय में हिंदुत्व से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना लिए। उसके बाद ही मणिपुर रंजिश के अखाड़ों में बदलना शुरू हुआ था। हिंदू धर्म के लोगों को फेवर करने के लिए राजा निर्णय लेने लगा था। नतीजा
यह हुआ कि जब अंग्रेज आए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अंग्रेजों को बल प्रयोग करना पड़ा, और वहाँ के आदिवासियों के लिए जिसे अंग्रेजों ने ट्राइब कहा विशेष व्यवस्था एक्स्ट्रा टेरिटरी के रूप में किया था। तो केरा के राजा भी थे तो आदिवासी, लेकिन अपने को अपर कास्ट स्टाइल का समझने के लिए उन्होंने गैर आदिवासी पुजारी रख लिया। अब जब गैर आदिवासी पुजारी उन्होंने रखा तो उन्होंने कई तरह की कहानियाँ उन्हें सुनाई, और उन्हीं कहानियों में से एक ने देवड़ी में मंदिर स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने सपनों के माध्यम से लोगों के सामने लाने का काम किया। यदि केरा के राजा हिंदुत्व से प्रभावित नहीं होते तो वह हिंदू देवी देवताओं के सपने क्यों देखता? वो देसावली के सपने देख सकता था, जैरा के सपने देख सकता था, सरना के सपने देख सकता था, लेकिन जब भी शासन की कोई केंद्र बिंदु होती है तो उसके इर्द गिर्द आर्य लोग हमेशा से चापलूसी करते रहे हैं। अंग्रेजों के शासन के समय में आरएसएस ने भी तो चापलूसी की थी, ये तो सर्वविदित है, और वे लोग भी हिंदू हैं। तो केरा राजा ने भी एक गैर आदिवासी पुजारी रखा था, इतना ही काफ़ी है किसी की विचारधारा को बदलने के लिए। गैर आदिवासी जब भी आदिवासियों से संपर्क करता है तो वही उसकी संपूर्ण विचारधारा बदलने के लिए आधार बन जाता है। बिरसा मुंडा को सनातन विचारधारा से मेल खिलाने के लिए भी एक आनंद प्याए, आदिवासियों का कपड़ा बुनने वाले लोग को बोलते हैं, को आनंद पांडे के नाम से हिंदुत्व ब्रिगेड के लोग सामने लाते हैं। तो केरा राजा के मार्फत हिंदुत्व की प्रयोगशाला शुरू की गई और उसे देवड़ी में मंदिर के रूप में स्थापना करके शुरू किया गया, और यह कहा गया कि देवड़ी मंदिर में आदिवासी भी पूजा करेंगे, लेकिन राजा के लिए पूजा गैर आदिवासी करेगा। मेरे हो समाज में प्रतिदिन पूजा करने का रिवाज नहीं है, साल में 6 दफ़ा त्यौहार और अनुष्ठान में सामूहिक पूजा ग्राम स्तर पर होता है, कोई ग्रह नक्षत्र आदि होने पर विशेष पूजा संपन्न होता है, लेकिन प्रतिदिन पूजा करने का रिवाज नहीं है। चूँकि हम लोग प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हैं, और हॉलीवुड की एक अवतार मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे प्राकृतिक शक्तियाँ अंदर ही अंदर एक दूसरे से संपर्क में कई तरह के संचार माध्यमों से कनेक्ट रहती है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो विभिन्न फील्ड के माध्यम से, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिग्स फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड के माध्यम से वो कनेक्ट रहती है। इसलिए हमारी आस्थाएं हमें धरती के हर कोने में साथ देती है। तो प्राकृतिक उपासना हम साल में 5-6 बार करते हैं, और साल के 365 दिन मस्त रहते हैं। जब मंदिरों को धंधे के केंद्र में आर्यों ने लाया, तब से प्रतिदिन पूजा करने की शुरुआत इन्होंने की, और आज हमें भी अपने जाल में फंसाने में ये लोग कई जगहों पर सफल भी हुए हैं। एक तरफ से मंदिर इन लोगों का बिजनेस का एक मॉडल है और हम लोग उसके ग्राहक। तो देवड़ी में प्रतिदिन पूजा की शुरुआत करके गैर आदिवासी पुजारी ने राजा के मार्फत आदिवासियों को हिंदुत्व की राह पर लाने का प्रयास शुरू किया, और आज सरना सनातन भाई भाई की स्थिति में आ चुका है। तत्कालिक विवादों को छोड़ दिया जाए, लेकिन असली बात यहाँ पर भी वही उजागर हो रहा है, और मंदिर का धंधा ही इस विवाद की जड़ है। आदिवासी अपनी आस्थाओं में धंधा तो नहीं करता, लेकिन देवड़ी में ये सब चल रहा था। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी धंधा है वहाँ देश और राज्य की सरकारें अपने मनपसंद पूंजीपतियों को वह धंधा बेच रही है, और यहाँ पर भी वही कुछ देखने को हमें मिला। ज़्यादा ग्राहक आने लगे, व्यवसाय बढ़ने लगा, तो कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आदिवासी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। दुर्भाग्य से उस इलाके के आदिवासी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अपने मूल को जानबूझकर या जाने अनजाने में नहीं समझ पाए, अपने आदिवासियत को ठीक से नहीं समझ पाए। आदिवासी का मतलब ही है समुदाय में रहना। समुदाय से आप हटे तो उसका कोई पहचान नहीं होगा। जंगल में भी जब जानवरों का एक समूह होता है, उसमें कोई यदि भटक जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। या तो जंगली जानवर उसे खा जाते हैं, या खाना नहीं खोज पाने के कारण भूख से मर जाता है, या कोई अन्य कारण से, लेकिन समय से पहले वो मर जाता है। आदिवासियों की स्थिति भी आदिवासियत को छोड़कर दूसरी जगह जाने से वही हो रहा है, लेकिन आदिवासी समझने में देरी कर रहा है। भूमिज मुंडा समुदाय दोबारा से सरना आदिवासी फिलॉसफी में आना चाह रहा है। इसकी शुरुआत देवड़ी दिरी में दावा से वो कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी आदिवासियत स्थापित करने के लिए देवड़ी दिरी में दावा करने से ज़्यादा आदिवासी टेरिटरी को गैर आदिवासियों से बचाने की बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आदिवासी इलाकों में वही गैर आदिवासी रह सकता है जो हमारे 1932 के खतियान में दर्ज होकर है, लेकिन हमारी भावनाएं बहुत सतही होती है। आप देखेंगे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आदिवासियों और मूलवासियों ने लड़ी,
और जब सत्ता मिली तो गैर आदिवासियों को मिल गई। अपने गांव समाज को मजबूत करने के बाद हमें अपने इलाके को, अपने टेरिटरी को संरक्षित करने की एक बड़ी लड़ाई लड़ने की आज ज़रूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आदिवासी अधिकारों की घोषणा जब 13 सितंबर 2007 को की थी तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी अपनी आदिवासियत खुद डिक्लेयर करेंगे, खुद घोषित करेंगे, ना कि कोई सरकार। लेकिन दुर्भाग्य से हम सरकारों पर आश्रित हैं कि वो हमारे लिए क्या घोषणा करते हैं, यह हमारी लाचारी दिखाता है। अब जबकि देवड़ी मंदिर स्पष्ट हो गया है कि आदिवासियों को धार्मिक रूप से हिंदू बनाने की प्रयोगशाला है और हम भी उस प्रयोगशाला के हिस्सेदार के रूप में दावा कर रहे हैं, अब आदिवासियों को समझना है कि उस गांव के जो पूजा स्थल हैं उसका आदिवासी समाज में क्या उपयोगिता है, और कोई विशेष पूजा स्थल जिसे देवड़ी देवी के रूप में ये मानते हैं वहाँ कैसे गैर आदिवासी घुसा। अभी तक के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से तो एक गैर आदिवासी आपकी पूरी विचारधारा को बदलने के लिए काफ़ी है। इतिहास में मैंने मणिपुर और बिरसा मुंडा का उदाहरण दिया कि एक गैर आदिवासी किस तरह आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को, रुझान को बदलने का काम करता है, और देवड़ी दिरी को देवड़ी मंदिर में परिवर्तित करके आपको हिंदुत्व की प्रयोगशाला में डाल दिया गया है। आपका इस मंदिर में दावा जितना मजबूत होगा आप उतने ही कट्टर हिंदुत्व की लाइन में जाते चले जाएंगे। बाकी ट्रस्ट, सरकार, 8 करोड़, ये सब तो वहाँ तक पहुँचने के माध्यम है जहाँ आपको गर्व से कहो हम हिंदू हैं का घोंट पिलाया जाएगा। पहले अपनी आदिवासियत को हम सुरक्षित करें, जिसके लिए हमारे पास कई सारे संविधानिक और कानूनी प्रावधान है। इस समय देवड़ी दिरी को वापस लेने का एक माध्यम बचा है और वह है खूंट कटी जमीन का भूमिज मुंडाओं का अधिकार। खूंट कटी राइट के आधार पर इस जगह को अपने ग्राम सभा के अधीन लाया जाए, इसके लिए ज़रूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार रहा जाए। तब तक वहाँ पर जितने भी भूमिज मुंडा समुदाय के लोग रहते हैं वे अपने गाँव में अपने पारंपरिक व्यवस्था को वापस जिंदा बहाल करने का प्रयास तेज़ कर दें। आज आपके पास राजा नहीं है, आप खुद राजा हैं, बस ये एहसास आप शुरू कर दीजिए। आपके पास वो ताकत तो है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप आदिवासी हैं तो आपको आरक्षण की सुविधा है, आप आदिवासी हैं तो आपके लिए CNT एक्ट है, आप आदिवासी हैं तो आपके लिए 5वीं अनुसूची है। अपने आदिवासियों को अगर यदि आपने छोड़ दिया तो ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएगी, उसी के लिए तो ये सब क्रिएट किया जा रहा है, बाकी सब तो राजनीति है। सोचिए और बड़े विमर्श के लिए तैयारी कीजिए। हो सकता है मैं इस वीडियो में कई लोगों की भावनाओं को सही से एड्रेस नहीं कर पाया हूं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूंगा, लेकिन मेरा मकसद आदिवासियत को जीवंत करना है। आदिवासियों की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को प्राकृतिक स्वरूप में पुनः बहाल करना है। उसमें हमारी कट्टरता होनी चाहिए। जब हिंदू अपने विश्वास में कट्टर हो सकते हैं तो आदिवासी अपने विश्वास में क्यों नहीं, सोच कर देखिए, शायद वही हमारे बदलाव की शुरुआत हो। इसमें जो बातें उठी है उससे कहीं राय भिन्न भी हो सकती है, मैं स्वागत करूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही याद रखें कि देवड़ी मंदिर के बहाने आदिवासियत की एक विमर्श को हम यहाँ एक तरह से शुरू कर रहे हैं। खुले दिल से हमें अपने कमजोरी और अपनी ताकत को समझना जरूरी है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि यह विमर्श की शुरुआत है और इसमें सभी आदिवासी सोच के बुद्धिजीवियों को हम उम्मीद करेंगे कि इस विमर्श को सही दिशा दिया जाए और अपने आदिवासियत को बचाया जाए। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।